अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अगर आपने हिंदी भाषा में पढ़ाई की है तो आप आने वाले समय में किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। ये सच है कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाता है, लेकिन इससे हिंदी भाषा की महत्वता कम नहीं हो जाती है। पिछले कुछ समय में हिंदी के महत्व को दोबारा से समझा जाने लगा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सदियों से चली आ रही है और वर्तमान में ये दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी राष्ट्र की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अगर आपको हिंदी भाषा से प्रेम है और आपने हिंदी में बीए या एमए किया है तो आप टीचिंग के अलावा भी कई क्षेत्रों में खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको उन क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप हिंदी भाषा में डिग्री प्राप्त करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है पत्रकारिता। आज के समय में हिंदी न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन व न्यूज़ चैनल को काफ़ी महत्व दिया जाता है। आप भी हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर देख सकते हैं और बतौर एंकर, न्यूज एडिटर और राइटर और रिपोर्टर बनकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अगर आप घर पर ही बैठकर कमाई करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में पकड़ के साथ साथ आपका लेखन भी अच्छा है तो आप किसी भी ऑनलाइन हिंदी वेबसाइट के लिए भी काम कर सकते हैं, वो भी घर पर बैठकर। इसके अलावा आपके लिए सरकारी नौकरी का भी क्षेत्र ओपन होता है, इसमें भी आप जा सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करना अधिकतर लोगों का सपना होता है। आप बीए हिंदी व एमए हिंदी करने के बाद केंद्रीय व राज्य सेवाओं के अतिरिक्त एसएससी और पीएसयू में भी आवेदन कर सकते हैं। बॉलीवुड फिल्म जगत और टेलीविजन शो में ऐसे राइटर्स की खासी डिमांड होती है जिनका हिंदी ज्ञान बहुत अच्छा हो। यहाँ तक कि ऑनलाइन जगत जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न पर भी हिंदी टीवी शोज प्रसारित किए जा रहे हैं। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप प्रोडक्शन हाउस, मीडिया हाउस में स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स या लिरिक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं तो आपको बीए हिंदी करने के बाद स्क्रीन राइटिंग का कोर्स करना होता है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपके भीतर एक लेखन की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और लेखन का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्क्रीन राइटर बन सकते हैं। इसके अलावा आप अनुवादक भी बन सकते हैं। यह भी एक मजेदार करियर ऑप्शन है जिसमें आपके पास काम की कोई भी कमी नहीं होती है और अगर आप चाहें तो घर बैठकर अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकते हैं। एक बेहतरीन अनुवादक बनने के लिए आपकी हिंदी के साथ साथ अन्य किसी दूसरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी खुद को बेचना चाहती है, लेकिन भारत में बहुत से लोग अंग्रेजी या अन्य भाषा नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अधिकतर कंपनियां अपना कंसल्ट करने के लिए लोगों से कंटेंट हिंदी राइटर या अनुवादक रखती हैं, जिसकी वजह से वह अपना अनुवाद और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरों तक पहुंचा सके। यानी कि एक कस्टमर और मालिक के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसलिए ही ट्रांसलेशन की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और अच्छे अनुवादक यहाँ पर बहुत समय तक काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा हिंदी को लेकर डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो आप बने रहें प्रभा साक्षी पर। अगली वीडियो में कुछ और मुद्दों पर फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।